नमस्कार दोस्तों, रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट का जो है यूफेम लगा है, जो अभी हाल ही में मेन कैंपस का जो है रिजल्ट जारी हुआ है, कुछ कॉलेजों का भी जारी हुआ है, बहुत सारे ऐसे एमए के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं जिनका भी अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उन सभी विद्यार्थियों का दोस्तों लगभग बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, जो हजारों छात्र हैं जिनका रिजल्ट फंस चुका है, किसी छात्र का यूफेम लगा है तो किसी छात्र का फीस नॉट पेड और एग्ज़ाम नॉट क्वालिफाई, यानी वहाँ पर एरर आ रहा है, वो अपना जो है रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट का जो दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल से संबंधित रिजल्ट बता रहा है कि प्रैक्टिकल के कारण उनका जो है रिजल्ट रुका हुआ है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट को इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपना रिजल्ट दोस्तों सही कर सकते हैं, जो रिजल्ट अंडर प्रोसेस में गया है, उन सारे स्टूडेंट को इस वीडियो में बताएंगे कि वो अपना रिजल्ट कैसे सही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी पर टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, वो हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन बता दें, अभी अभी रिजल्ट आया है BA+ MA, यानी कि उनका रिजल्ट अभी अभी आया है। दोस्तों यहाँ पर बता दें, जिन स्टूडेंट ने रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय मेन कैंपस या कॉलेज से अपना जो है रिजल्ट देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम आ रहा है रिजल्ट में, उनका फीस नॉट पेड करके आ रहा है, तो दोस्तों उन स्टूडेंट को जिनका अंडर प्रोसेस में गया है और फीस नॉट पेड बता रहा है, उन स्टूडेंट को बता दें आप सभी अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, तभी आपका ये रिजल्ट अंडर प्रोसेस फीस नॉट पेड वाला प्रॉब्लम हट पाएगा। जिनका भी अंडर प्रोसेस में गया है, इसका मतलब है आपके कॉलेज ने आपका जो पैसा आपने दिया था वो जो है एग्ज़ाम शुल्क नहीं जमा किए हैं, इसी के कारण आपका रिजल्ट रोक कर रखा गया है। जैसे ही वहाँ पर फीस जमा होगा, वैसे आपका जो है क्या कहते हैं रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के कारण रिजल्ट रोका जाता है, क्योंकि आपका फीस नहीं जमा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर फीस नहीं जमा हुआ तो एग्ज़ाम कैसे, एडमिट कार्ड जारी हो गया, एग्ज़ाम कैसे हो गया? तो दोस्तों ये विश्वविद्यालय की गाइडलाइन है, वो अपना जो है एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें जारी कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट रोक के रखते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब आप फीस जमा करेंगे तभी आएगा। तो ये रहे अंडर प्रोसेस के स्टूडेंट का। और जिनका प्रैक्टिकल के कारण रिजल्ट रुका है, उनका प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो विश्वविद्यालय को प्रोवाइड नहीं किया गया, इसी के कारण उनका रिजल्ट रोका गया है। तो वो सारे स्टूडेंट अपने कॉलेज या अपने विश्वविद्यालय से जो भी हैं वहाँ से संपर्क करेंगे और अपना प्रैक्टिकल का अंक अपलोड करने के लिए बोलेंगे, तो उनका रिजल्ट भी सही हो जाएगा। और जिनका भी यूफेम लगा है दोस्तों, उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, ये विश्वविद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बता भी रखा है। तो जिन स्टूडेंट का यूफेम लगा है, वो स्टूडेंट फिर से एग्ज़ाम देंगे जिस भी सेमेस्टर में उनका यूफेम लगा है, तो वो स्टूडेंट अब फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो ये रही दोस्तों इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ कोई जानकारी छूट रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। लिया दोस्तों आज आप सभी का रिजल्ट, एक रिजल्ट आया है, और बाकी जो BA BSc BCom के रिजल्ट हैं दोस्तों जल्द आएंगे, यही 15 तक उम्मीद है। देखिए 15 तक आ जाता है तो अच्छी बात है, फिलहाल 15 तक आ जाना चाहिए था। अब 15 तक आप वेट कीजिए, 100% हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।